बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने हिस्ट्री और करैक्टरिस्टिक्स ऑफ सी लैंग्वेज की डिटेल्स आपसे शेयर की थी। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक, डेवलपमेंट साइकिल ऑफ सी प्रोग्राम। तो दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि हमारे कोर्स का आधा हिस्सा सी लैंग्वेज पर बेस्ड करता है और आपकी बुक के इस हिस्से में हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को किस तरह से लिखा जाता है ये सीखेंगे। तो दोस्तों याद रखिए, जब कभी भी आप सी लैंग्वेज में कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं, और प्रोग्राम लिखने का मकसद होता है कि हम कंप्यूटर से कोई टास्क परफॉर्म करना चाह रहे होते हैं, तो उस प्रोग्राम को लिखने से लेकर रन करने तक, रन करने से मुराद है कि उस प्रोग्राम का रिजल्ट आने तक उस प्रोग्राम को कई मराहल से गुजरना पड़ता है, और ये मराहल, ये स्टेप्स दरअसल कहलाते हैं डेवलपमेंट साइकिल ऑफ अ सी प्रोग्राम। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये कई स्टेप्स पर मुश्तमिल होता है, जिनमें सबसे पहला स्टेप है एडिटिंग अ सी प्रोग्राम। तो दोस्तों, ये आपकी डेवलपमेंट साइकिल का सबसे पहला स्टेप होता है, और इस स्टेप में हम एक प्रोग्राम को लिखते हैं, यानी हम एक प्रोग्राम को सी लैंग्वेज में लिखते हैं। और ये इसकी डेफिनेशन देखिए, द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, एडिटिंग एंड डिलीटिंग अ सी प्रोग्राम। यानी जब कभी भी आप सी लैंग्वेज के प्रोग्राम को लिखते हैं, उसमें कोई तब्दीली करते हैं लिखते हुए, या फिर कुछ डिलीट करते हैं, अगर कोई एरर आता है तो उस एरर को रिमूव करते हैं, तो ये कहलाता है एडिटिंग अ सी प्रोग्राम। और जब आपको लगता है कि प्रोग्राम में किसी किस्म का कोई एरर नहीं है, तो फिर आप उस प्रोग्राम को सेव कर देते हैं। दोस्तों, जैसे ही आप अपने सी प्रोग्राम को सेव करेंगे, तो याद रखिए, आप क्योंकि सी प्रोग्राम को सेव कर रहे हैं, तो उसकी एक्सटेंशन देंगे .c, यानी हम कई तरह की एक्सटेंशन दे सकते हैं, .cpp भी दे सकते हैं, .c भी दे सकते हैं। तो सी लैंग्वेज के लिए जो एक्सटेंशन यूज होती है, जो आपके कंपाइलर को बताएगी कि ये सी लैंग्वेज का प्रोग्राम है, ये होगी .c की एक्सटेंशन। यानी आप अपना फाइल नेम देंगे, और फाइल नेम को देने के बाद डॉट के बाद आप सी लिखेंगे, और फिर सेव करने के बाद दोस्तों एक फाइल जनरेट होगी आपकी स्टोरेज में, या फिर ये कह लें कि आपकी एक्सटर्नल स्टोरेज में, जिस नाम से आपने सी प्रोग्राम को सेव किया होगा उसी नाम से, और ये फाइल कहलाएगी सोर्स फाइल। यानी दोस्तों याद रखिए, जब कभी भी आप सी प्रोग्रामिंग अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर कोई भी सी प्रोग्राम बनाते हैं, फिर उस प्रोग्राम को जब आप .c की एक्सटेंशन से सेव करते हैं, तो वो सेव होने के बाद एक फाइल बन जाती है, और वो फाइल कहलाती है सोर्स फाइल। अब आइए इसको प्रैक्टिकली देखते हैं, इस स्टेप को, कि आप किस तरह से अपने सी प्रोग्राम को एडिट कर। दोस्तों, यहाँ आपके सामने एक प्रोग्राम मौजूद है। इस प्रोग्राम में ये तमाम इंस्ट्रक्शंस क्या काम कर रही हैं, ये हम कल के लेक्चर में देखेंगे। अभी हम ये देखते हैं कि हमारा पहला स्टेप जो है एडिट अ सी प्रोग्राम, वो किस तरह से होगा, यानी हम इस प्रोग्राम को किस तरह से सोर्स फाइल में कन्वर्ट करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सी लैंग्वेज में एक प्रोग्राम लिखेंगे, और प्रोग्राम लिखने के बाद अगर आप इस पहले स्टेप के अंदर आप प्रोग्राम को क्रिएट करेंगे, अगर आप इसमें कोई मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, कोई चेंजिंग करना चाहते हैं, तो वो भी आप इसी प्रोग्राम में कर सकते हैं, कुछ डिलीशन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अब जब आपको ये क्लियर हो गया, ये अंदाजा हो गया कि आपके प्रोग्राम में किसी किस्म का कोई एरर नहीं है, तो फिर आप इस प्रोग्राम को सेव करेंगे, और सेव करते ही दोस्तों सेव के लिए आप इस फाइल मेन्यू पे जाएंगे, और यहाँ पर सेव एज के बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने एक विंडो ओपन हो रही होगी, जो ये आपसे पूछेगी कि आप इस प्रोग्राम को क्या नाम देना चाहते हैं। मैंने इसका नाम रख दिया है फर्स्ट प्रोग्राम। अब बारी आती है इसकी एक्सटेंशन बताने की। दोस्तों, ये जो आपको एक सॉफ्टवेयर नजर आ रहा है Dev C++, इसमें आप सी लैंग्वेज भी लिख सकते हैं, सी लैंग्वेज के प्रोग्राम्स भी लिख सकते हैं, और C++ के भी प्रोग्राम्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अपने कंपाइलर को, अपने इस सॉफ्टवेयर को बताना होगा कि आप किस लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं, या आपने किस लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा है, तो उसके लिए आपको एक्सटेंशन बताना जरूरी है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है डॉट, और इसके बाद मैंने लिख दिया है सी। तो अब मेरा प्रोग्राम जो है वो ये सी लैंग्वेज के प्रोग्राम के अंदर सेव होने जा रहा है। मैं जैसे ही सेव पर क्लिक करूंगी, तो आप देखिएगा कि डॉक्यूमेंट्स के अंदर एक सोर्स फाइल जनरेट हो जाएगी। ये मैंने सेव पर क्लिक कर दिया। अब हम डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे, और डॉक्यूमेंट्स में जाने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर
फर्स्ट प्रोग्राम नामी एक सोर्स फाइल, आप इसकी टाइप भी देख सकते हैं, एक सोर्स फाइल जनरेट हो गई है। तो दोस्तों यहाँ तक आपका पहला स्टेप कंप्लीट हुआ, आपने एक सोर्स फाइल जनरेट कर ली है। अब दोस्तों आपने अपने सी प्रोग्राम की सोर्स फाइल बना ली, लेकिन वो सोर्स फाइल क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज बेस्ड है, क्योंकि आपके जो सी प्रोग्राम है वो भी एक हाई लेवल लैंग्वेज है, और याद रखिए हाई लेवल लैंग्वेज यूजर तो इजीली समझ सकता है लेकिन कंप्यूटर उसको समझ नहीं सकता, और जब तक कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड नहीं करेगा तो वो उस प्रोग्राम के जरिए जो टास्क आप परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं कंप्यूटर से वो भी परफॉर्म नहीं कर सकेगा। इसीलिए यहाँ हमें जरूरत पड़ती है उस प्रोग्राम को कंप्यूटर की लैंग्वेज यानी बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की, और इसके लिए जिस स्टेप को यूज किया जाता है वो कहलाता है कंपाइलिंग अ सी प्रोग्राम। और दोस्तों ये इसकी डेफिनेशन देखिए, इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ सोर्स फाइल इनटू एन ऑब्जेक्ट फाइल। यानी दोस्तों जब आप अपनी सोर्स फाइल को जो कि हाई लेवल लैंग्वेज बेस्ड है उसको कंपाइल करते हैं, तो कंपाइल करने के बाद आपके कंप्यूटर की एक्सटर्नल स्टोरेज में एक और फाइल जनरेट हो जाती है, और वो फाइल कहलाती है ऑब्जेक्ट फाइल, जिसका एक्सटेंशन होता है .obj। और दोस्तों इस फाइल को, इस सोर्स फाइल को ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट करने के अमल को कहा जाता है कंपाइलर, और उसको परफॉर्म करवाया जाता है कंपाइलर के जरिए। और दोस्तों कंपाइलर कुछ नहीं है, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन कोड यानी बाइनरी फॉर्म में। इसीलिए जब आप अपने कंपाइलर को एक सोर्स फाइल देते हैं जो कि हाई लेवल लैंग्वेज बेस्ड होती है, तो कंपाइलर उस सोर्स फाइल को तब्दील कर देता है ऑब्जेक्ट फाइल में, और ऑब्जेक्ट फाइल कुछ नहीं है, ये सिर्फ आपकी सोर्स फाइल का बाइनरी फॉर्म है। यानी अगर आपने एक लफ्ज लिखा हुआ है सोर्स फाइल में हाई लेवल लैंग्वेज में, तो ये सिर्फ उस वर्ड को तब्दील कर देगी मशीन कोड यानी वन और जीरोस की फॉर्म में। और दोस्तों एक और अहम बात कि यहाँ कंपाइलर का काम सिर्फ सोर्स फाइल को ऑब्जेक्ट फाइल में तब्दील करना नहीं होता, बल्कि अगर आपके सी प्रोग्राम में कोई सिंटेक्स एरर की गलती है तो वो भी इसी स्टेप में आपका कंपाइलर डिटेक्ट कर लेता है, और जब तक आप उस सिंटेक्स एरर को अपने प्रोग्राम से खत्म नहीं कर देते तब तक ये आपके प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट कोड में तब्दील नहीं कर सकता। अब ये सिंटेक्स एरर क्या होता है, इसकी डिटेल हमने आपके चैप्टर नंबर 1 के अंदर आपको बहुत डिटेल में दी है टाइप्स ऑफ एरर में। तो यहाँ पर ये कंपाइलर जो है इस सिंटेक्स एरर को इजीली डिटेक्ट कर देता है, और ये आप इस तस्वीर में देखिए, और यहाँ ये देखिए ये है सोर्स फाइल, और ये है, और ये है कंपाइलर, और यहाँ आपने इस फाइल को कंपाइलर को दिया, अब कंपाइलर इसको कंपाइल कर रहा है यानी मशीन कोड में तब्दील कर रहा है, लेकिन जैसे ही उसको यहाँ कोई सिंटेक्स एरर नजर आता है तो वो आपके प्रोग्राम की कंपाइलेशन वहाँ स्टॉप कर देगा और आपको एरर का बता देगा। अब आप उस एरर को रिमूव करेंगे और फिर दोबारा से कंपाइल करने के लिए उस फाइल को दोबारा कंपाइलर को देंगे, और तब जाकर ही वो कंपाइलर उस सोर्स फाइल को ऑब्जेक्ट फाइल में तब्दील करेगा। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ कंपाइलर के हिस्से में दो काम आते हैं। पहला काम ये है कि वो सोर्स फाइल को जो कि हाई लेवल लैंग्वेज बेस्ड है उसको कन्वर्ट करता है ऑब्जेक्ट फाइल में यानी वन और जीरोस की फॉर्म में। दूसरा, अगर आपके कोड के अंदर, आपकी इस सोर्स फाइल के अंदर अगर कोई सिंटेक्स एरर मौजूद है तो वो उसको भी डिटेक्ट करता है, और डिटेक्ट करने के बाद आपको वो सिंटेक्स एरर बताता है, तो फिर आप उसको रिमूव करते हैं, तो रिमूव करने के बाद दोबारा उस फाइल को कंपाइल करता है। अब आइए इस स्टेप को प्रैक्टिकली देखते हैं। दोस्तों ये आपके सामने एक सोर्स प्रोग्राम मौजूद है, और अब हमें इसको अगले मरहले में डालना है यानी इसको कंपाइल करना है, और कंपाइल करने का मकसद आप यहाँ देख सकते हैं कि ये हाई लेवल लैंग्वेज बेस्ड है, यहाँ पर यूजर की लैंग्वेज लिखी हुई है, ये आप देख सकते हैं printf, void, main void, include वगैरह, which means कि ये कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ वन और जीरोस को ही अंडरस्टैंड कर सकता है। तो इसीलिए अब हमें इस सोर्स फाइल को कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। तो दोस्तों इस कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें जिस प्रोग्राम का, जिस सॉफ्टवेयर का सहारा लेना है वो कहलाता है कंपाइलर, यानी अब हमें इसको कंपाइल करना है। तो दोस्तों कंपाइल करने के लिए आप सबसे पहले इस एग्जीक्यूट पर जाएंगे, और एग्जीक्यूट पर जाते ही आपके सामने एक ड्रॉप डाउन मेन्यू क्लिक होगा नजर आएगा, उसके टॉप पर आपको कंपाइल लिखा हुआ नजर आ रहा है,
यहाँ पर आप इसकी शॉर्टकट की भी देख सकते हैं। अगर आपको ये डायरेक्टली आप शॉर्टकट की से करना चाहते हैं तो आप F9 पर क्लिक करेंगे, अदरवाइज आप यहाँ पर कंपाइल पर क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने ये कंपाइल हो गया है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपके प्रोग्राम में कुछ सिंटेक्स एरर मौजूद है तो ये आपके प्रोग्राम को कंपाइल नहीं करेगा, विच मीन्स अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये कह रहा है कि आपके प्रोग्राम में एक सिंटेक्स एरर मौजूद है लाइन नंबर 2 के बाद। तो यहाँ पर मुझे एक सिंटेक्स एरर नजर आ रहा है, मैंने यहाँ पर एक सेमी कॉलन लगाना भूल गए, तो ये सेमी कॉलन हमने लगा दिया है। अब हम इसको दोबारा कंपाइल करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आपके प्रोग्राम में एरर है तो ये इसको कंपाइल नहीं करेगा। मैं दोबारा एग्जीक्यूट पर क्लिक करूंगी और क्लिक करने के बाद ये मैंने कंपाइल पर क्लिक किया है, तो अब आप देख सकते हैं कि ये आपका कंपाइलेशन रिजल्ट है, जिसके अंदर अब आपके प्रोग्राम में कोई एरर मौजूद नहीं है, कोई वार्निंग मौजूद नहीं है, और अब ये आपका जो प्रोग्राम है ये ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट हो चुका है। दोस्तों जब आपने अपने प्रोग्राम को कंपाइल कर दिया तो अब आपकी सोर्स फाइल ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट हो गई है, और अभी भी जो फाइल आपके सामने प्रोड्यूस हुई है उसकी एक्सटेंशन है .obj, और ये फाइल अभी कंप्यूटर में एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, यानी आपका कंप्यूटर इस फाइल को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, क्योंकि इस फाइल को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें इसे एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाना पड़ेगी, और एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी इस प्रोग्राम को, यानी इस ऑब्जेक्ट फाइल को लिंक करने की। यानी अब जो थर्ड स्टेप है इस डेवलपमेंट साइकिल का वो है लिंकिंग अ सी प्रोग्राम, और ये इसकी डेफिनेशन देखिए, इट इज द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग एन ऑब्जेक्ट फाइल विद एनी नीडेड लाइब्रेरीज टू प्रोड्यूस एन एग्जीक्यूटेबल फाइल, इट्स कॉल्ड लिंकिंग अ प्रोग्राम। तो डियर फ्रेंड्स, आसान अल्फाज में ऑब्जेक्ट फाइल को एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट करने के अमल को लिंकिंग कहा जाता है। और इस प्रोसेस में होता क्या है दोस्तों, जो आपका सी प्रोग्राम होता है जब आप उसको कंपाइल करते हैं तो कंपाइलर उस प्रोग्राम का डायरेक्टली मशीन कोड जनरेट करता है, मगर उस प्रोग्राम में जो कोड आपने यूज किया है, जैसे ये void main void लिखा हुआ है, ये printf लिखा हुआ है, ये getcsh लिखा हुआ है, तो ये तमाम फंक्शंस क्या काम कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं, इन तमाम चीजों की फंक्शनैलिटीज, ये तमाम चीजें डिफाइन होती हैं लाइब्रेरी फाइल में। और जब आपका सोर्स प्रोग्राम ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट हो जाता है तो उसे एग्जीक्यूट करने के लिए जरूरत पड़ती है उस प्रोग्राम को उन लाइब्रेरी फाइल से लिंक करवाने की, उन लाइब्रेरी फाइल से अटैच करवाने की, जो कि बताएंगी कि ये तमाम फंक्शंस, ये तमाम चीजें किस तरह से काम कर रही हैं। और दोस्तों ये लिंकिंग करवाने के अमल को, इस प्रोसेस को कहा जाता है लिंकिंग योर सी प्रोग्राम, और उन लाइब्रेरी फाइल्स को आपके ऑब्जेक्ट प्रोग्राम से अटैच करवाया जाता है एक सॉफ्टवेयर के जरिए, वो सॉफ्टवेयर कहलाता है लिंकर। और जब आपके प्रोग्राम की ऑब्जेक्ट फाइल को उन तमाम लाइब्रेरी फाइल से लिंकर अटैच कर देता है तो लिंकर आपकी एक्सटर्नल स्टोरेज में एक न्यू फाइल जनरेट करता है जो कहलाती है एग्जीक्यूटेबल फाइल, जिसकी एक्सटेंशन होती है .exe। अब आइए इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन दिखाते हैं कि आपके पास किस तरह से ये एग्जीक्यूटेबल फाइल जनरेट होगी। दोस्तों यहाँ पर जो है हम जिस सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं, विच इज .c++, इसका एक फीचर ये है कि जब आप इसको कंपाइल करते हैं तो ये कंपाइल करने के साथ साथ, यानी आपके हाई लेवल लैंग्वेज कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने के साथ साथ, इसके साथ वो तमाम लाइब्रेरीज भी इंस्टॉल कर देता है, वो तमाम लाइब्रेरीज भी लिंक करा देता है जिसकी इस प्रोग्राम के अंदर इसको जरूरत होती है, यानी इस प्रोग्राम को परफॉर्म करवाने के लिए, प्रोसेस करवाने के लिए जरूरत पड़ती है जिन फाइल्स की, उनको भी इसके साथ अटैच करवा देता है। दिस मीन्स कि यहाँ पर ये कंपाइलर और लिंकर का काम एक साथ करता है। अब जब मैं यहाँ पर एग्जीक्यूट पर क्लिक करूंगी तो मेरे पास ये ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलेगा, और जब मैं ये कंपाइल पर क्लिक करूंगी तो अब ये कंपाइल भी करेगा इस प्रोग्राम को और साथ के साथ इसको एग्जीक्यूट भी करेगा, यानी इसमें अगर आपको किसी किस्म की किसी लाइब्रेरी फाइल्स की जरूरत होगी तो इन फाइल्स को इसके साथ अटैच भी कर देगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब ये इस उन फाइल्स को अटैच कर देता है तो अटैच करने के बाद ये एक्सटर्नल ड्राइव में एक और न्यू फाइल जनरेट करता है, और वो फाइल जो है उसका एक्सटेंशन होगा .exe। अब आइए देखते हैं कि क्या ऐसा हुआ है। दोस्तों
हम दोबारा से डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे और डॉक्यूमेंट्स में जाने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर ये आपकी एक नई फाइल जनरेट हो गई है जिसकी एक्सटेंशन है, आप यहाँ पर प्रॉपर्टीज में जाके इसकी एक्सटेंशन भी देख सकते हैं, इसकी एक्सटेंशन है .exe, यानी ये एक एग्जीक्यूटेबल फाइल है। तो इस तरह से यहाँ पर ये आपको दोनों स्टेप एक साथ मिलते हैं, जबकि आपको समझाने के लिए कि आपका सी प्रोग्राम किन किन स्टेप से गुजरता है हमने आपको दोनों स्टेप्स अलग अलग पढ़ाए हैं। तो इस तरह से दोस्तों अब आपकी जो सोर्स फाइल थी, जो ऑब्जेक्ट फाइल थी, वो कन्वर्ट हो चुकी है एग्जीक्यूटेबल। दोस्तों अब आपकी ऑब्जेक्ट फाइल एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट हो गई है। अब बारी आती है लास्ट स्टेप की, यानी उस एग्जीक्यूटेबल फाइल को रन करने की, जो कि कहलाता है रनिंग अ सी प्रोग्राम। दोस्तों एग्जीक्यूटेबल फाइल कंप्यूटर की एक्सटर्नल स्टोरेज में पड़ी होती है और उसको रन करने के लिए सबसे पहले उसे लोड करवाना पड़ेगा मेन मेमोरी में, क्योंकि दोस्तों किसी भी प्रोग्राम को जब रन करना होता है तो उसे रन करने के लिए जरूरत पड़ती है सीपीयू की, लेकिन सीपीयू तमाम प्रोग्राम्स जो रन करता है वो मेन मेमोरी से उन प्रोग्राम्स को फेच करता है। इसीलिए यहाँ भी हमें उस एग्जीक्यूटेबल फाइल को भी लोड करवाना पड़ेगा मेन मेमोरी में, ताकि सीपीयू वहां से उस प्रोग्राम को फेच कर सके और फेच करने के बाद उस प्रोग्राम के अंदर जो प्रोसेसिंग करवानी है वो कर सके। और ये देखिए इसकी डेफिनेशन, इट इज अ प्रोसेस ऑफ लोडिंग एन एग्जीक्यूटेबल फाइल इनटू मेन मेमोरी सो द सीपीयू कैन फेच एंड रन द प्रोग्राम। तो दोस्तों ये वो प्रोग्राम है, ये वो स्टेप है जिसके अंदर आपको आपका रिजल्ट मिलेगा, लेकिन इस स्टेप के अंदर सबसे पहला काम होता है आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल को, जो कि आपको लिंकिंग अ सी प्रोग्राम से मिली थी, उसको मेन मेमोरी में लोड करवाने की, ताकि सीपीयू वहां से उसको निकाल सके और निकालने के बाद उसको रन करवा सके। तो आइए अब देखते हैं कि किस तरह से आप अपनी एग्जीक्यूटेबल फाइल को रन कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ अपने जो है अपने प्रोग्राम की एग्जीक्यूटेबल फाइल बना ली, ये आप देख भी सकते हैं। इस वक्त हमने इसे कंपाइल यानी कंपाइल और लिंक किया था, और लिंक करने के बाद हमें यहाँ पर एक एग्जीक्यूटेबल फाइल मिल गई थी। अगर आप इस विंडो को क्लोज करना चाहते हैं तो इस क्लोज के बटन पर क्लिक करेंगे। अब बारी आती है इसको रन करने की, और यही वो स्टेप है जहाँ पर आपको आपका रिजल्ट शो होगा। दोस्तों आप इसके लिए दोबारा से एग्जीक्यूट के बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको एक ड्रॉप डाउन मेन्यू मिलेगा, इसका सेकेंड जो आपको ऑप्शन नजर आ रहा है वो है रन का। अगर आप इसको शॉर्टकट की के जरिए करना चाहते हैं, कीबोर्ड के जरिए आप F10 प्रेस करेंगे तो आप इसको रन भी कर सकते हैं। मैंने ये रन पर क्लिक किया, तो रन पर क्लिक करते ही आपके सामने आपके इस प्रोग्राम का जो रिजल्ट है, हेलो वर्ल्ड में प्रिंट करवाना चाहती थी, ये आपको इस ऑब्जेक्ट इस आउटपुट स्क्रीन पर नजर आ गई है। तो डियर फ्रेंड्स इस तरह से आपको ये आउटपुट स्क्रीन शो हो जाएगी, विच मीन्स के रन करने पर आपके सीपीयू ने इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर दिया है, यानी जो काम आप अपने सीपीयू से करवाना चाहते थे वो कर दिया है। इस तरह से आपका जो प्रोग्राम है वो रन। डियर फ्रेंड्स ये वो तमाम स्टेप्स थे जिन पर से हर एक सी प्रोग्राम को, आप कोई छोटे से छोटा सी प्रोग्राम लिखेंगे या बड़े से बड़ा, उन तमाम प्रोग्राम्स को इन चारों स्टेप्स पर से गुजरना पड़ेगा, जिनमें पहला स्टेप है सोर्स फाइल जनरेट करना, देन ऑब्जेक्ट फाइल जनरेट करना, देन एग्जीक्यूटेबल फाइल जनरेट करना, और आखिर में आउटपुट स्क्रीन। तो आइए फिर इसको एक पिक्चर के जरिए भी समझते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप सबसे पहले एक सोर्स कोड जनरेट करेंगे, यानी आप सी लैंग्वेज के ऊपर एक प्रोग्राम लिखेंगे और आप उसको सेव करवा देंगे .c की एक्सटेंशन से। फिर आप उसको अगले मरहले के अंदर डाल देंगे, विच इज अ कंपाइलेशन, यानी आप उस सोर्स कोड को दे देंगे कंपाइलर को, कंपाइलर उस सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा। अगर उसके अंदर कोई सिंटेक्स एरर होंगे तो वो दोबारा से आपको वो सोर्स कोड दे देगा, आप उसके अंदर से वो एरर रिमूव करेंगे, और रिमूव करने के बाद आप दोबारा उस प्रोग्राम को, उस सोर्स फाइल को कंपाइलर को दे देंगे। अब कंपाइलर उसको एग्जीक्यूट करेगा, कंपाइल करेगा, यानी उस सोर्स फाइल को, उस .c की एक्सटेंशन वाली फाइल को कन्वर्ट कर देगा ऑब्जेक्ट फाइल में। लेकिन दोस्तों ऑब्जेक्ट फाइल को आप तब तक एग्जीक्यूट नहीं कर सकते जब तक के उस सोर्स कोड के अंदर, उस ऑब्जेक्ट कोड के अंदर आपको मजीद कुछ एडिशनल लाइब्रेरीज को ऐड करवाना होगा, और उन लाइब्रेरीज को ऐड करवाने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी लिंकर की। तो लिंकर उन तमाम एडिशनल फाइल्स को आपके ऑब्जेक्ट कोड से लिंक करवाएगा, अटैच करेगा,
और अटैच करने के बाद एक और न्यू फाइल जनरेट कर देगा जिसकी एक्सटेंशन होगी .exe और ये फाइल कहलाएगी एग्जीक्यूटेबल फाइल। अब वो आप फाइल को सीपीयू को दे देंगे और सीपीयू उस फाइल का आपको रिजल्ट शो कर देगी। इस तरह से एक सी प्रोग्राम जो है इन तमाम मरहलों से गुजरता है। दोस्तों ये थी डेवलपमेंट साइकिल ऑफ सी प्रोग्राम। अगले लेक्चर में हम आपको सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर पहला प्रोग्राम लिखना सिखाएंगे। तो दोस्तों तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।